हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस रिएक्शन के रिएजेंट को इजीली पहचान जाएंगे एंड इसके प्रोडक्ट को विदाउट मैकेनिज्म आप बना सकते हैं। तो कैसे, ध्यान से देखिए। अगर रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट के बारे में बात करें तो इट्स वेरी सिंपल, अल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप हैविंग अल्फा हेच। तो डैट मीन्स जिस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ होगा उसके बगल वाले कार्बन आइदर साइड, राइट। अगर हाइड्रोजन होगा तो अल्डिहाइड हो जाएगा और अगर कार्बन होगा तो कीटोन हो जाएंगे, राइट। तो अल्डिहाइड या कीटोन हैविंग अल्फा हेच, तो जिस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ है उसके बगल वाले कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, बट द कंडीशन इज कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3। डैट मीन्स ये चारों के चारों बॉन्ड इसके सिंगल होने चाहिए और इसके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यू नो तीन हो सकता है, राइट। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट जो रिक्वायर्ड है अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे क्या यहाँ पे होगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ है, राइट। राइट साइड में हेच है तो ये अल्डिहाइड हो गया, तो इधर तो है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन हुआ, sp3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन इसके पास बाय द वे दो है, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे या अल्डोल शो करेगा। वैसे अगर मैं इसको चेक करूँ तो सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, इसके इधर भी कार्बन है तो दोनों साइड ले सकते हैं, यहाँ पे भी बाय द वे हाइड्रोजन है और sp3 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और sp3 है, तो ये भी शो करेंगे। क्या ये शो करेगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ है, राइट। इधर तो हाइड्रोजन हो गया जबकि कार्बन चाहिए पहले, इधर ये कार्बन तो है बट इसके हाइड्रोजन आप देख सकते हो sp2 है और बाय द वे यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये अल्डोल शो नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसमें देखूँ तो सी डबल बॉन्ड ओ है, राइट साइड में तो हाइड्रोजन ही सिर्फ, कार्बन है ही नहीं, इधर कार्बन था, sp3 हाइड्रोजन भी है बट ये मिथाइल ग्रुप है, राइट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये भी नहीं शो करेगा। तो पहले आपको रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट क्लियर हो गया कि अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप आपको दिख जाए और हैविंग अल्फा हेच, डैट मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाले कार्बन पे आइदर साइड पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो आपका रिएक्टेंट होगा। रिएजेंट वेरी सिंपल है, बेसिक मीडियम आपको लेना है। रिएजेंट जो होना चाहिए वो बेसिक या एल्कलाइन मीडियम होना चाहिए। इसको देने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है। कोई भी बेस दे देगा, जैसे NOH, KOH, कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड दे दे आपको, या फिर OH- एक्वस लिख दे, या फिर NOH वाटर लिख दे ऐसा, राइट। सब वाटर में सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, या बैरियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ऐसे भी दे सकता है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट, चूँकि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो जीतता है, तो इसलिए सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। जैसे Na2CO3 एक एग्जांपल हमने दिया है, K2CO3, देर आर सो मैनी, राइट। आपको पहचान देना, बेसिक मीडियम क्रिएट करना है। RO- वाटर अल्कोहल से हेच हटा करके दे तो वहाँ पे भी हो सकता है, या डाइल्यूट NOH, डाइल्यूट KOH, तो ये सब ओवरऑल कहने मतलब कि बेसिक मीडियम होना चाहिए इसका रिएजेंट, क्लियर है। प्रोडक्ट क्या बनाना है, तो वो भी वेरी सिंपल है। अगर हीट नहीं गिवन है एरो पे, ध्यान दे, अगर हीट नहीं गिवन है तो आपको अल्डोल सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है। व्हाट डू यू मीन बाय अल्डोल, जिस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ होगा उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा और उसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं, राइट। तो बीटा पे OH होगा और ये अल्डिहाइड या कीटोन, अगर यहाँ पे हेच हुआ तो अल्डिहाइड, कार्बन हुआ तो कीटोन, इसलिए इसका नाम पड़ा अल्डोल। ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्डिहाइड होंगे, ये कॉमन नेम है, कीटोन भी होगा तो भी उसको अल्डोल ही बोल देते हैं। तो क्वेश्चन इज कि कैसे प्रोडक्ट आप प्रिडिक्ट करेंगे, तो जिस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ रखोगे उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा, तो बीटा पे आपको OH होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू सी डबल बॉन्ड ओ, विथ रेस्पेक्ट टू सी डबल बॉन्ड ओ के रेस्पेक्ट में बीटा पे OH होना चाहिए, तो अल्डोल प्रोडक्ट बनाएंगे। और कब बनाएंगे, जब कोई हीट नहीं गिवन होगा। अगर हीट दे दिया आपको इस टाइप से साइन में या लिख दिया, तो उस केस में आपको वाटर को बाहर करना है, और कैसे वाटर को बाहर करेंगे, तो अल्फा से हेच ले लेंगे आप और बीटा से OH, वाटर बाहर कर देंगे और अल्फा बीटा के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इसलिए इसका नाम हो जाएगा अल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या हो गया, वाटर बाहर चला गया, कंडेंस हो गया, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन। तो एक प्रोडक्ट आप इजली पहचान लोगे, जिस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड होगा उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, तो इनके बीच
डबल बॉन्ड होना चाहिए प्रोडक्ट में, इतना चीज फिक्स है, बाकी चीज़ें होंगी वो ठीक है, इतना होना चाहिए, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस भी हो रहा है तो ये होगा ही। ये कब बनाएंगे? जब हीट गिवन होगा कंडेंसेशन, और ये कब बनाएंगे? जब हीट नहीं गिवन होगा, तो वाइस वर्सा, जैसे ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके बीटा पे ओएच करना है। तो ये आपको हमने रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कराना सिखा दिया। अब हम ट्रिक की बात करते हैं कि कैसे विदाउट मैकेनिज्म आप प्रोडक्ट ड्रॉ करेंगे। नाउ वो ट्रिक्स या कंसेप्ट जिसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं, तो ध्यान से देखो ट्रिक्स का पॉइंट क्या है कि आपको ऑलवेज रिएक्टिविटी अल्डिहाइड की ज़्यादा होगी कीटोन से, इस बात का ध्यान रखना, अल्डिहाइड ऑलवेज ज़्यादा रिएक्टिव होंगे कीटोन से। सेकेंड थिंग कि आप रिएक्टिविटी को और कैसे पहचान सकते हैं, अगर सेम अल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो सी डबल बॉन्ड हो तो फिक्स है, उसके बगल वाले कार्बन पे जाना है, अगर उस पर माइनस आई या माइनस एम ग्रुप होंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर प्लस एम या प्लस आई ग्रुप होंगे दैट इज मिथाइल ग्रुप होंगे तो फिर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। उसी को मैंने यहाँ पे एक पॉइंट से समझाया है कि ये C डबल बॉन्ड O है तो ये कैसे ब्रेक हो जाएंगे प्लस में और माइनस में, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव। अब हम क्या चाहते हैं रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कार्बन पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना चाहिए, तो पॉजिटिव इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा, इसलिए इससे जो ग्रुप लगे होने चाहिए वो कैसे इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, तभी पॉजिटिव इंक्रीज होगा, इसलिए माइनस एम या माइनस आई रिएक्टिविटी को इंक्रीज कराते हैं, प्लस एम या प्लस आई रिएक्टिविटी को डिक्रीज कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पूछा जाए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ध्यान से देखो ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, अगेन ये अल्डिहाइड है, बट इस अल्डिहाइड में अल्फा कार्बन पे ये ग्रुप जो है वो माइनस आई ग्रुप है, इसलिए सबसे ज़्यादा आपका रिएक्टिव 3 होगा। उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन में फिक्स है, अल्डिहाइड आगे आएंगे तो 1 होगा, और लास्ट में फिर आपका कीटोन होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर में। इसका क्या यूज है अभी मैं समझाता हूँ। एक पॉइंट का ध्यान रखना, अगर सिर्फ एक ही अल्फा हैच होंगे तो उस केस में सिर्फ अल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं मिल सकता, क्योंकि कंडेंसेशन होने के लिए वाटर को बाहर जाना है तो उसके लिए मिनिमम 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए अगर एक ही अल्फा हैच है तो अल्डोल बनाएंगे। नाउ ये रिएक्टिविटी क्यों समझाया, क्योंकि अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं तो उसमें से ट्रिक का पॉइंट यह है कि मोर रिएक्टिव वाले का सी डबल बॉन्ड ओ सामने आपको करना है, राइट। अगर डिफरेंट आपको पास अल्डिहाइड कीटोन गिवन है तो इन दैट केस मोर रिएक्टिव वाले का सी डबल बॉन्ड ओ को सामने करेंगे, और लेस रिएक्टिव वाले का अल्फा कार्बन का 2 हेच सामने करना है, और ये 2 हेच और ये ओ को वाटर के फॉर्म में बाहर कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें एक कीटोन गिवन है और एक अल्डिहाइड गिवन है, बेसिक मीडियम हो गया तो अल्डिहाइड कीटोन बेसिक मीडियम मतलब अल्डोल हो गया, राइट, अल्फा हाइड्रोजन भी है तो ये परफेक्ट कंडीशन है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, तो वहाँ पे ये पॉइंट लगेगा जो मोर रिएक्टिव है, डेफिनेटली अल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, तो इसका मैंने सी डबल बॉन्ड ओ सामने किया ध्यान से देखो, और जो लेस रिएक्टिव है उसका जो अल्फा कार्बन है उसका 2 हाइड्रोजन को सामने किया, ये अल्फा कार्बन हो गए उसका 2 हाइड्रोजन को, और वाटर के फॉर्म में देखो बाहर कर दिया। तो जैसे ही वाटर के फॉर्म में बाहर करोगे प्रोडक्ट देखो अपने आप बन जाएगा आपको विदाउट मैकेनिज्म। तो ये सी डबल बॉन्ड हुआ, ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन बन गया। अगर इसका सिर्फ अल्डोल बनाना होता तो आप क्या करते, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते और बीटा पे OH डालना था, राइट, तो क्या हो जाता, यहाँ H CH3, राइट, और आपका ये C और ये C डबल बॉन्ड हो और ये CH3, ये अल्फा ये बीटा पे सिर्फ क्या डाल देते OH, तो यहाँ पे क्या जाता H, तो ये सिर्फ अल्डोल कहलाता, ये अल्डोल कंडेंसेशन है, हीट अगर गिवन होगा तो कंडेंसेशन, हीट नहीं होगा तो अल्डोल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसलिए वेरी सिंपल है ये। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने लिया तो एक अल्डिहाइड गिवन है, तो ध्यान रहे कि आपको एक मॉलिक्यूल करके देगा बट वी नो 2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, तो इसके 2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, चूँकि यहाँ पे दोनों सेम है इसलिए आपको फिर इसका प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी एक का सी डबल बॉन्ड ओ सामने कर दो और किसी एक का अल्फा हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन बाहर कर दो और H2O के फॉर्म में निकाल दो, तो ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो अगर डिफरेंट होंगे तो मोर रिएक्टिव का सी डबल बॉन्ड ओ सामने करो, लेस रिएक्टिव का 2 हाइड्रोजन, वाटर बाहर कर दो, प्रोडक्ट आपका बन के तैयार है विदाउट मैकेनिज्म। और अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो किसी एक का सी डबल बॉन्ड ओ सामने करो और दूसरे का अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन सामने कर करके आप निकाल दो। अगर एक ही हाइड्रोजन होता तो भी आप इतना बना लो, उसके बाद आपको बताया वो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर करके बीटा पे OH दे दो, अल्फा पे जो ग्रुप लगे होंगे वो लगा दो। तो आई होप मेरा ये ट्रिक क्लियर होगा। नाउ अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन 2 टाइप से हो सकता है, एक होगा इंटर मॉलिकुलर और एक होगा इंट्रा मॉलिकुलर।
इंटर मॉलिकुलर में दो मॉलिकुल रिक्वायर्ड होंगे। अगर सेम मॉलिकुल है तो आपको एक ही मॉलिकुल देगा वो, आपको बाय डिफॉल्ट सोचना है दो मॉलिकुल, और अगर दो डिफरेंट मॉलिकुल है तो आपको दिख जाएगा। तो इसमें करना क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही मॉलिकुल है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें दो मॉलिकुल लेना पड़ेगा। बेसिक मीडियम और हीट है तो अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है, सी डबल बॉन्ड है, अल्फा हेच है। अब अल्फा हेच यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कौन सा लिया जाए? तो यहाँ पर वाला हम अभी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा तो वो अनस्टेबल होगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस CH3, बट यहाँ पे कोई नहीं लगा हुआ है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव। इसीलिए आपको बता रखा हूँ ट्रिक, एक बार एक मॉलिक्यूल का मैंने सी डबल बॉन्ड हो सामने किया, ध्यान से देखो सी डबल बॉन्ड हो, तो ये वाले कार्बन पे क्या क्या है, एक CH3 और एक ET, तो एक CH3 और एक ET लगा दिया हमने, राइट, और उसका सी डबल बॉन्ड हो सामने कर दिया। दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हेच जो ज़्यादा स्टेबल वाला होगा, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका दो हेच सामने किया, एक हेच रहेगा CH, सी डबल बॉन्ड हो एज इट इज, बाकी को लिख देना है, और H2O को बाहर कर देंगे, तो ये प्रोडक्ट आपका बन करके तैयार हो गया विदाउट मैकेनिज्म। ध्यान से देखो तो अल्फा बीटा के बीच अनसेचुरेशन आ गया। अगर हीट नहीं होता तो ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे OH दे देते, यहाँ पे H, प्रोडक्ट आपका बन के तैयार। तो ये है इंटर मॉलिकुलर। इंट्रा मॉलिकुलर आपको कहाँ पे थिंक करना है, तो इसमें एक ही मॉलिकुल रहेगा, बट एक मॉलिकुल कंटेन करेगा मोर देन वन अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप। इसमें एक ही अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होंगे एक मॉलिक्यूल में, इसमें एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होंगे। दूसरा आपको इम्पॉर्टेंट है ये कि आपको देखना है कि 5 या 6 मेंबर रिंग बन रही है कि नहीं, क्योंकि वही स्टेबल होती हैं, तभी आपको इंट्रा कराना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, तो ध्यान से देखो एक मॉलिक्यूल में हमारे पास दो अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, इंटर सिटी होता है तो दो सिटी को कनेक्ट करते हैं, इसलिए दो मॉलिक्यूल, और इंट्रा में सिर्फ एक मॉलिक्यूल, राइट। तो यहाँ पे अब वी नो कि ये जो अल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और ये जो कीटोन है वो लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव वाले का हेच लेना है। अब हेच यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी, दोनों अल्फा हेच हैं। बट अगर आप यहाँ से लोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ से अगर आप लोगे तो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, ध्यान से देखो, एक ये खुद, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः और ये सात, सात मेंबर की रिंग आपको नहीं बनाना है, इसलिए ये वाला हम नहीं लेंगे, तो ये वाला लेना पड़ेगा। और ये वाला लोगे तो यहाँ से यहाँ, अब ध्यान से देखो, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच, पाँच नंबर रिंग बन जाएगी, राइट। इसका दो हाइड्रोजन और इसका सी डबल बॉन्डो गायब हो जाएगा। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाना है, वेरी सिंपल है, एक पाँच मेंबर की रिंग आप बना दें पहले, ये बना दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो कार्बन का दो हाइड्रोजन है और इसका सी डबल बॉन्ड हो वो तो गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड आएंगे, राइट। तो किसी भी कार्बन पे उसका दिया बाहर है, क्योंकि रिंग का पार्ट नहीं है, बाहर है, क्या है, सी डबल बॉन्ड हो CH3, तो ये हमने लिख दिया। और ध्यान से देखो, जिस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड हो उसके अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे आपको दे देना है। और ध्यान से देखो, जिस कार्बन पे आप डबल बॉन्ड लाए हो उसके बगल में फिर नेक्स्ट कार्बन पे मिथाइल है, तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, ऐसे आपको कर लेना है। या फिर आप नंबरिंग कर लिया करो, जहाँ से इससे अल्फा हेच है यहाँ से निकालोगे तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो आप नंबरिंग कर लो, 1 पे ये वाला ग्रुप था इसलिए ये 1, राइट। उसके बाद ये आपका 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो चूंकि 1 और 5 के बीच डबल बॉन्ड बन गया, जो आप देख रहे हो 4 पे एक मिथाइल है, तो ऐसे नंबरिंग करके भी कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, विदाउट मैकेनिज्म आप कर सकते हो। नाउ अब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। नाउ एप्लीकेशन, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे OH- बेसिक मीडियम और हीट है, यहाँ पे अल्डिहाइड है, यहाँ पे भी अल्डिहाइड है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्डोल के लिए परफेक्ट कंडीशन है। अब यहाँ पे यू नो कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, राइट, वैसे भी इसके पास अल्फा हेच है ही नहीं, तो डेफिनेटली इसका ये मुझे अल्फा हेच लेना पड़ेगा, ये वाला दो हाइड्रोजन, राइट, यहाँ पर वाले। तो आपको क्या क्या बताया है कि जो मोर रिएक्टिव है उसका सी डबल बॉन्ड ओ सामने कर दो, तो ये हेच हेच हो गए। जो लेस रिएक्टिव है उसका दो हाइड्रोजन सामने किया, तो देखो ध्यान से, इस कार्बन पे और क्या है, एक CH3 है और एक और क्या है, ये सी डबल बॉन्ड OH, ऐसा आप लिख दो और ये वाटर आप बाहर कर दो, आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो, सी पे ये दो हेच रहेगा, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, राइट, इस सी पे CH3 है और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH है, ध्यान से देखो, तो ये सी डबल बॉन्ड हो, ये अल्फा बीटा के बीच आपका अनसेचुरेशन आ गया डबल बॉन्ड, तो इस टाइप से आपको प्रोडक्ट बनाना है।
क्वेश्चन नंबर टू में ध्यान से देखो, तो ये है OET माइनस, ये भी बेसिक मीडियम के लिए और हीट है, तो अल्डोल कंडेंसेशन कराना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखो तो दोनों कीटोन है, तो इसलिए में कोई झंझट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी सेम है। अब यहाँ पे समझना है कि एक का सी डबल बॉन्ड सामने करना और एक का दो हाइड्रोजन। अब ये वाला करोगे या ये वाला, ये आपको ध्यान देना। अगर ये वाला मैं करता हूँ तो ध्यान से देखो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, एक ये खुद 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नहीं बना सकते, इसलिए ये वाला नहीं करना, तो हमें ये वाला करना पड़ेगा। तो ये वाला करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ आपको अटैच करना है, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ध्यान से देखो कैसे, तो ये 1 2 3 4 5, तो आप 5 मेंबर की रिंग पहले बना दें। ध्यान से देखें, ये वाले जो कार्बन है इससे सी डबल बॉन्ड ओ एम ई है, राइट। आपको बता रखा हूँ सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, और ये डबल बॉन्डेड वाला, ये जो सी डबल बॉन्ड है इस पर एक एम ई लगा है, तो एक मिथाइल ग्रुप लगा देना, तो ये आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, एक ही अल्फा एच है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो वैसे भी यहाँ पे हीट नहीं दिया, अगर हीट देता भी तो हम कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं बनाते, सिर्फ अल्डोल। तो आपको कैसे करना, आपको मानना है कि यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, बाय द वे कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, जस्ट हाइपोथेटिकल थिंकिंग लेना आपको। तो एक बार आपको क्या करना है, सी डबल बॉन्ड हो सामने क्या, तो ध्यान से देखो एच, और ये कार्बन पे आपका ये ऐसे रह जाएगा। दूसरी बार यहाँ पर वाले जो कार्बन है, राइट, इस पर मानना है कि दो हाइड्रोजन है, जस्ट अभी हमें बता रहा हूँ, और इस पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे, और ये सी डबल बॉन्ड OH है, और आपको वाटर बाहर कर देना, राइट। तो ध्यान से देखो क्या प्रोडक्ट बन गया, इधर H, इधर आपका ये लग गया, ये सी डबल बॉन्ड सी, जस्ट हाइपोथेटिकल अभी लेके चल रहा हूँ मैं, ये विनो कि 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसको आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, और ये H था नहीं क्योंकि दोनों मिथाइल थे, तो ये हो जाएंगे, तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ऐसे आपको कर देना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में अब यहाँ पे ये कीटोन है, OH माइनस हीट, अल्फा हाइड्रोजन है, बाय द वे दोनों तरफ सेम ही है, एक मॉलिक्यूल नहीं है, आपको मालूम है दो मॉलिक्यूल आपको लेना पड़ेगा। तो एक बार आपको क्या करना है, सी डबल बॉन्ड ओ सामने करना, राइट, और एक बार अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखो, जब आप हाइड्रोजन सामने करेंगे तो आपको एक 6 मेंबर रिंग बना लेनी है, और इसका चूंकि हाइड्रोजन सामने करना, ये दो हाइड्रोजन, और ये वाटर के फॉर्म में आपको बाहर कर देना है। तो आप ध्यान से देखो आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको इस टाइप से रखना है, राइट, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के थ्रू आ जाएंगे, और ये इस टाइप से रहेंगे, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा विदाउट मैकेनिज्म। और इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब यू नो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पाई हैं और ये भी पाई हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ये गिवन है, ये आपका अल्डिहाइड हो गया NOH, ध्यान दें यहाँ पे हीट नहीं है, तो अल्डोल प्रोडक्ट बनाना है, डेफिनेटली ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। तो आपको क्या बोला था कि आप क्या करेंगे, इसका आपको दो हाइड्रोजन सामने में लेना पड़ेगा, तो इसको एज इट इज रखना है, इसका ये जो दो हाइड्रोजन है वो दिखाओ, और इसका सी डबल बॉन्ड वो सामने में कर दो, एक एच है, एक सी एच थ्री, और वाटर बाहर निकाल दो। तो अभी टाइम बीइंग क्या बन जाएगा, ये ध्यान से देखो आप, तो इधर ये दो लगे होंगे सी डबल बॉन्ड हो, इधर में सी डबल बॉन्ड सी, राइट, ये बन गया, और इस पे एच है, और इधर में सी एच थ्री है, ये हो जाएंगे। बट यू नो ये कब बनाते हैं, जब कंडेंसेशन होता है, यहाँ पे हीट नहीं है, तो आपको बोला था ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और ये अल्फा हो गया, और बीटा, बीटा पे OH रखना है। तो एक्चुअल प्रोडक्ट आपको क्या बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये सी डबल बॉन्ड हो, ये रहेंगे यहाँ पे, इस कार्बन से जो कार्बन अटैच है, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, H था, इस पे OH लाना और CH3 था, तो इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बाय द वे H आ जाएंगे, तो ये एक्चुअल प्रोडक्ट होगा। और अगर कंडेंसेशन होता, हीट होता, तो फिर ये प्रोडक्ट बनाते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमें क्या कराना पड़ेगा, इंट्रा, कैसे, ध्यान से देखो, एक से ज़्यादा अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है। अब यहाँ पे चूंकि ये अल्डिहाइड है, ये मोर रिएक्टिव है, तो इसका सी डबल बॉन्ड हो सामने करना है। अब अल्फा हाइड्रोजन किसका लेना है, अगर मैं इसका, इधर तो है नहीं, इसका लूँ तो रिंग जो होगी वो 3 या 4 मेंबर रिंग होगी, तो इसलिए इसका नहीं लेंगे, और इधर से भी नहीं ले सकते क्योंकि ये भी रिंग 4 मेंबर की हो पाएंगे, हमें 5 या 6 बनाना है, तो यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये वाला जो है वो इनसे अटैच हो जाएंगे, तो ध्यान से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 6 मेंबर की रिंग, और ये थाई, तो ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये 6 मेंबर की रिंग थी,
और ये दोनों जब अटैच हो जाएंगे तो यहीं पे आपको एक और सिक्स मेंबर का रिंग बना देना है। बना दिया राइट। अब ध्यान से देखो, ये जब सी डबल बॉन्ड ओ सामने किया तो ये हो गया अल्फा, ये बीटा। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड सामने करना राइट, अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड, क्योंकि H प्लस हीट है। और इसका जो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ था वो ऐसे ही रहने देना, इस पर कुछ चेंज नहीं करना है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया, ध्यान दो, विदाउट मैकेनिज्म। तो ये है रफ़ी सर की ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे ध्यान से देखो, अगेन दो फंक्शनल ग्रुप हैं एक ही मॉलिक्यूल में, OH भी है, हीट है, तो कंडेंसेशन कराना है राइट, और इंट्रा कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे चूंकि दोनों सेम है तो कोई भी ले सकते हो रिएक्टिविटी में। तो ये मान लो इसका दो हाइड्रोजन अगर आपने लिया और इसका ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चाहे कुछ भी कर लो 7 मेंबर रिंग बनेगी। कैसे, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक ही आपका 6 मेंबर का रिंग रह जाएगा और एक आपको 7 मेंबर का रिंग बनाना है, ये ध्यान दे। तो ये बना दिया, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, इस कार्बन पे जहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH लिया तो डेफिनेटली ये सी डबल बॉन्ड हो गया ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, पाई बॉन्ड, क्योंकि ये अल्फा बीटा के बीच अनसेचुरेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन आप ध्यान से देखो, बैरियम हाइड्रोक्साइड हीट है, अल्डोल होगा। अब यहाँ पे अल्फा H तो है ही नहीं क्योंकि दो मिथाइल लगा दिया है राइट, और ये मोर रिएक्टिव है तो इसका सी डबल बॉन्ड गायब होगा, तो इसी का दो, तो ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो कितना बन जाएगा, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करेंगे, 6 मेंबर आप बना लें राइट। ये वाला तो डबल बॉन्ड में आ गया, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ होगा राइट, चूंकि ये रिंग में आ चुका है तो आपको सी डबल बॉन्ड ओ लगाया। तो यह ध्यान दे, ये अगर अल्फा है तो ये बीटा है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होंगे अल्फा बीटा के बीच। और ध्यान से देखो, जो सी डबल बॉन्डेड कार्बन है उसी कार्बन से अटैच वाले पे दो मिथाइल है, तो इधर तो आपने डबल बॉन्ड बना दिया, तो इधर अटैच है ये और इस पे दो मिथाइल, तो ये प्रोडक्ट बना देना, आपको बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में इस टाइप से गिवन है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी दो ग्रुप है आपके पास, दोनों कीटोन है बाय द वे, ये तो एस्टर है तो ये होंगे नहीं। तो अब यहाँ पे हीट है तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ टू ई टी है, एक्चुअली में इसको अगर आप ओपन करके लिखोगे तो ध्यान से देखो, ये कुछ इस टाइप का है राइट, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ और ई टी है। तो यहाँ से आप नेगेटिव नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये भी रेजोनेंस करेंगे तो इसको रेजोनेंस नहीं करने देंगे राइट। तो यहाँ पे से हाइड्रोजन नहीं लेना है आपको, यहाँ से लेना पड़ेगा और इसका सी डबल बॉन्डो गायब करना है। तो यहाँ से यहाँ बनेंगी, तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर आपका रिंग बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको बता रखा हूँ, ये 5 मेंबर थे, एक और आप 5 मेंबर बना लीजिए। 5 नंबर बनाने के बाद यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसका दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया। ध्यान दो, तो यही वाले जो कार्बन है इसके पास ध्यान से देखो तो ये CH2 और ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी है, तो ये आप दिखा देंगे। और इधर वाले कारण के बगल वाले कारण पे सी डबल बॉन्ड ओ है, तो यहाँ पे आप सी डबल बॉन्ड ओ कर देंगे, बाकी जो जैसा वैसे, क्योंकि इसका जो दो हाइड्रोजन था बेटा, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन से, तो हमने वाटर हटा कर करके ये डबल बॉन्ड बना दिया राइट। तो इस टाइप से देखो प्रोडक्ट ईजिली आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दोनों ही कीटोन है ध्यान से देखो तो राइट, बट ये जो कीटोन है वो लेस रिएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि इस पर जो पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव सिंगल डबल से रेजोनेंस होंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका लेस रिएक्टिव और ये क्या हो जाएंगे मोर रिएक्टिव। तो आपको ट्रिक दे रखा हूँ, मोर रिएक्टिव का सी डबल बॉन्ड ओ सामने करना है, तो इस पर दो मिथाइल ग्रुप हैं तो ऐसा बना दो राइट। और जो लेस रिएक्टिव हैं तो उनका आपको क्या करना पड़ेगा, दो अल्फा हेच सामने करना पड़ेगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ और इसका ये दो हाइड्रोजन सामने कर दिया और वाटर को बाहर कर देना। तो क्या प्रोडक्ट बना, ध्यान से देखो, CH3 CH3, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गए, एक हेच था उसके पास, सी डबल बॉन्ड ओ और इधर आपका ये बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगा। बट हमें ये प्रोडक्ट नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि सिर्फ NOH है, हीट नहीं है, तो अल्डोल प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको क्या बोला था, पाई बॉन्ड को आप ब्रेक कर देंगे और ध्यान रहे अल्फा बीटा पे आपको क्या करना है, OH डालना है और इस पे आपका H आ जाएगा, तो ये एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट हो जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि अल्डोल बनाना है।
तो आई होप मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। बेटा इससे इजी ट्रिक आपको कोई नहीं दे सकता, आप इस पे बेस्ड किसी भी PYQ को सॉल्व कर सकते हो और यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता ही है, इसलिए अल्डोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।